mean? काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पर क्लच गॉड के लिए हो सकती है, क्योंकि उनके सामने गॉडल का स्क्वाड है। अगर वो उठते हैं तो हर तरफ से उनको गोलियां पड़ सकती है। ऑन द अदर साइड मावी वहां पर वीएसजी क्रॉस के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं और वीएसजी क्रॉस का एलिमिनेशन होता है सेवंथ पोजीशन पर। पहला गेम, छह टीम्स बचती हैं, 14 लोग जीवित अभी इसके लिए। हम फाइनल स्टेज के अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं। पांचवा सर्कल है, 420 यहाँ पर ग्रेनेड फेंक रहे थे, बट एज ऑफ नाउ ज्यादा डैमेज किसी को भी नहीं दिया ग्रेनेड को, ऑब्वियसली उधर की डायरेक्शन में कोई था नहीं। और जो धीरे धीरे आगे मूव करते हैं गॉडल के काफी ज्यादा करीब धीरे धीरे मूवमेंट दे रहे हैं। एंड ये जो बगी के एरियाज है यहाँ पर अपना कवर भी बनाना चाहिए, बिकॉज आगे के लिए इनको एक अच्छा डिप मिलता है, पीछे के एरिया से ये फाइट्स ले सकते हैं। सो आई गेस ऑरेंज जॉक विल बी हैविंग अ गुड एरिया इनसाइड द सर्कल। इन सर्कल में अकेली एक ही टीम आती है। गॉडल को भी सर्कल में हल्का सा मूव करना है, ज्यादा दूर नहीं है सर्कल इनसे, 17 मीटर, और उस 17 के बाद खतरा हो सकता है इनके लिए। बिल्कुल, बट राइट साइड में अगर आप देखो गॉडल के, तो बहुत सारी ऐसी टीम है जो एज खेल रही थी वाले सर्कल से पहले, बट उन सबको अंदर आना पड़ेगा यहाँ पे। बट 420 ओपी ने नॉक डाउन कर दिया सोल रेगल टॉस को, फिनिश करते हुए नजर आएंगे कि नहीं पता नहीं, बट वाइपर इज द लास्ट वन स्टैंडिंग फॉर टीम सोल। वहां पर रिवाइवल का कोई ऑप्शन नहीं बनता। 420 ओपी अपनी टीम के लिए बेहतरीन किल्स और डैमेज यहाँ पे बटोरते हैं। वैम्पायर ओपी वहां पर नॉक डाउन होते हुए मिनी 14 वहां पर चलाए जा रहे अभी भी ओपन में। एंड क्या वाइपर रेगल टॉस को रिवाइव देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बट डैमेज बहुत ज्यादा पड़ता हुआ आ रहा है। वाइपर नहीं, ही हैव टू गिव अप ऑन हिम। डैमेज के साथ साथ अगर हम बात करें, सामने वाले स्मोक में उनको लग रहा है कि कोई एक टीम, बट फर्स्ट यहां पे एक अटेम्प्ट जा चुका है सोल वाइपर का फॉर दैट हील बैटल। राइट साइड में ऑरेंज रॉक वर्सेस टीम एलिमेंटरी होता हुआ नजर आएगा, बट गॉडल यहां पे उस चीज का कैपिटलाइजेशन कर सकती है। बट उसी के साथ साथ प्ले जोन से सोल रेगल टॉस वहां पे एलिमिनेट होते हुए 420 ओपी रैंप पे जाता है 5 किल के साथ। सामने 3v4 होता हुआ नजर आएगा Elementrix versus Team Orange Rock. ये फाइट एक इंटरेस्टिंग फाइट रहने वाले, बिकॉज 3v4 है, Elementrix वाले मैच में बहुत ही उम्दा खेली है। लेकिन अगर Orange Rock पीछे देखेंगे तो उनको UME के प्लेयर्स वहां पर दिखने वाले हैं। दूसरी साइड 420 ओपी रुकने का अभी भी नाम नहीं रहे, गॉडल के स्मोकी को वहां पर पिक ऑफ कर चुके हैं एंड फिनिश भी वो करेंगे। 6 किल्स उनके अकेले खाते में जाते हैं। UME इज ऑन अ डिफरेंट रोल राइट नाउ। एंड वहां पे सोल वाइपर अब अपनी फर्स्ट हिट छोड़ चुके हैं, वो जान से पहले डैमेज करना चाहे, डैमेज काफी किया Orange Rock के प्लेयर्स के लिए, मुश्किलें खड़ी कर दी थी। बट ऑन द अदर साइड वहां पर मावी अपनी स्कार एल से सोल वाइपर को फिनिश कर देंगे। सोल यहां पर फिफ्थ पोजीशन पर जाती और 4 टीमें बचती हमारे पास। Orange Rock अभी भी है लेकिन उनके प्लेयर्स को रिवाइव चाहिए। रिवाइवल के बीच में अगर टाइम ज्यादा जाता है तो सारी टीम्स उनके ऊपर रश कर सकती है, बहुत सी टीम्स रश करना चाहेंगे। यहां पर एलिमेंट्स के प्लेयर्स पीबी बाइजन का अभी भी इस्तेमाल करते हुए एंड उसके साथ नॉक्स एंड किल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्लच गॉड अभी भी अकेले बचे हुए हैं अपने लिए एंड यहां पर 420 ओपी डाउन हो चुके हैं। मवी के द्वारा जो प्लेयर्स बहुत सारे किल्स निकाल रहा था वो इस टाइम रिवाइवल के लिए उम्मीद जगा कर बैठे हुए हैं। पीछे से भीष्मा वहां पर बचे हुए, भीष्मा ने स्पॉट राइट साइड से Orange Rock के प्लेयर्स आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिज से टीम एलिमेंट्स के प्लेयर्स है। आखिरी में मेरे ख्याल से क्लच गॉड, जो एक जॉनथन का क्लच मेरे को याद आ रहा है सनॉक वाले मैच में, उन्होंने पूरी फाइट देखी। आखिर में जब उनको पता चला कि ये फाइट खत्म हो चुकी है, नॉक ऑलरेडी प्लेयर्स है कुछ, उसके बाद उस प्लेयर ने चार्ज करने की कोशिश की, बट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है स्टेज, बिकॉज सर्कल भी उनके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में गया है। क्रॉल करना पड़ेगा उनको, क्या Orange Rock के ऊपर वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे। बट यस, क्लच गॉड के लेफ्ट हैंड साइड से एक रोटेशन ईजी बन सकती है जहां पे Elementrix बहुत ज्यादा दूर है, राइट साइड में Orange Rock के मावी बट उन्हें स्पॉट कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड में अगर वो देखे एक बार, स्काउट करे कि एक स्नेक बन के प्लेयर धीरे धीरे करके फाइनल सर्कल में उनकी टीम को एटलीस्ट दिक्कत दे सकता। बट यस देयर यू कैन सी, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, यहां पे फिनिश कर दिए जाएंगे Orange Rock के मावी, जो अपनी टीम के लिए किल्स बटोर रहे थे, रिवाइवल्स दे रहे थे, बट वहां पे एक और ग्रेनेड पड़ता हुआ दलजीत का, पूपू मैन को उन्होंने नॉक डाउन करा। बट राइट साइड से वाला पुश आखिरी पुश हो सकता है Orange Rock के लिए, बट यहां पे मिस्टर डियोजो ने एक सामने से वापस एक करारा जवाब दिया दलजीत को नॉक करके। क्लच गॉड अभी भी प्रोन डाउन है, बैकपैक वगैरह सब कुछ फेंक रखा है, यहां पे बुलेट्स एक्ट है लिमिटेड हो गए। बट वहां पे वैम्पायर ने एक और ट्रेड लिया मिस्टर डियोजो को नॉक करके, क्या फिनिश कर पाएंगे? अब उस वाले स्मोक के पीछे एक लेफ्ट हैंड साइड में रिवाइवल मिल रहा है पूपू मैन को, ऑरेंज जल्दी वहां पे रिवाइव दे देंगे। यस, बट क्लच गॉड ही इज वेटिंग फॉर द फाइनल किल, देखते हैं कितना डीप जा पाते हो इस वाले मैच के। He's waiting for each and every movement because वो हर एक चीज को इस टाइम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। एंड जैसे कि आपने बोला जॉनथन वाला मूवमेंट यहाँ पर शायद हमें वापस से देखने को मिल सकता है। इस बार क्लच गॉड होंगे ऑन द साइड जो कि ट्रिगर्स पूरा का पूरा यहाँ पर दबाने की कोशिश करेंगे। एंड मिस्टर ह्यूज वहां पर अभी के लिए नॉक पड़े बट उनको रिवाइव नहीं मिला। शायद यहाँ पर TSM एंटिटी क्लच गॉड का मूवमेंट हो सकता है, बस उनको सर्कल में जाना है। सर्कल 23 मीटर उनसे दूर है, मुश्किलें बढ़ सकती है। एक ही फर्स्ट एड इनके पास बचेगी, सर्कल के लिए एक रेस लगाते हुए अभी के लिए इनके पास लेवल 1 वेस्ट है, वो भी 80% से ज्यादा डैमेज हो रखे हैं।
स्पॉट करेंगे प्लेयर्स को लेकर जाने की कोशिश है। अब यहां पर जो रुके थे थोड़ी देर के लिए वो ज्यादा मुश्किल कर देगा एंड एलिमेंट्रिक्स के ऑरेंज वहां पर क्लच गॉड को लेकर जाते हैं। अब फाइट बचती है ऑरेंज रॉक वर्सेस एलिमेंट्रिक्स, 5 players 2 versus 3 का पूरा बैटल रहेगा। लेकिन ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स के पास इस टाइम वैम्पायर को अगर आप देखें तो वो फुली बूस्टेड भी है, उनके पास 100% हेल्थ भी है। 8वां सर्कल 40 सेकंड बचते हैं, वैम्पायर ने स्पॉट कर लिया था प्लेयर्स को एंड आगे मूव करके पहला प्लेयर डाउन कर चुके, वापस पीछे आते हैं, हल्का सा कवर मिस नहीं हो तो दूसरा प्लेयर डाउन करेगा। यहां पर पूरी पूरी फाइट ऑरेंज रॉक के खाते में जाती है।